ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एसओजी के इनपुट पर बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में आईपीएस शैलेंद्र इंदौलिया की कार्रवाई और एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर की फोटो खींचकर डाली गई थी व्हाट्सएप ग्रुप पर। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये परीक्षा 3 दिन चलनी है और पहले ही दिन अगर इस तरीके का ग्रोह सक्रिय नजर आता है और उसके साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो दो सवाल। पहला तो ये कि ये गिरोह कहां कहां सक्रिय हो सकता है, और दूसरा ये माने कि पुलिस काफी एक्टिव पहले ही दिन हरकत में आते हुए इनको पकड़ लिया। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं कि पहला कि 3 दिन परीक्षा चलनी है, लेकिन तारीफ यहां पर बनती है कि एसओजी के इनपुट पर जिस तरह से बीकानेर पुलिस ने काम किया, आप देखिए बारिश के बीच एसपी प्रीति चंद्रा लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और कहीं ना कहीं इनकी अगुवाई में जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं, ये बीकानेर पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई कही जा सकती है। एसपी प्रीति चंद्रा से हम बात करते हैं। एसपी साहब, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मिली है। एसओजी का भले ही इनपुट हो, लेकिन आपने जिस तरह जाल बिछाया, क्या कहेंगे, अभी तक का अपडेट क्या है, क्योंकि 2 दिन और एग्जाम होना है, वो छात्र जो मेहनत कश है क्या निकल कर आया है पुलिस के पास? देखिए, पूरा ये ऑपरेशन एडीजी साहब एटीएस एसओजी के डायरेक्शन में हुआ है और टोटल 10 लोगों को इसमें अब तक हमने राउंड अप किया है। ये 10 लोग एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के पेपर सॉल्व करने वाले लड़के तक बैठे हुए थे और ये आगे पेपर सॉल्व करके आगे बता रहे थे। अब ये आगे कहाँ कहाँ बता रहे थे, ये जांच का विषय है, जो आगे आने वाले जो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये क्लियर होगा। जो जानकारी आ रही है उसमें एक कोचिंग संचालक बताया जा रहा है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है जो आप ही ने हमसे साझा किया है, या जो पुलिस के इनपुट्स हैं दूसरे उन्होंने साझा किया है। तो मैम, क्या लगता है आप लोगों की जो कार्रवाई हुई है, ये पेपर बहुत नहीं फैल पाया, उससे पहले आप लोगों ने पकड़ लिया ये माने, और अभी तक की जो जांच हुई है, आपके जो दूसरी टीम वहाँ पर है, उसका क्या अपडेट आप तक आया है? देखिए, ये इनपुट हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मिल गया था, तो पहली पारी का पेपर शुरू हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे हर जगह सेंटर्स पे अच्छा जापता है और विजिलेंस की टीम्स लगातार कार्रवाई कर रही थी, लगी हुई थी, राउंड पे थी, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं इसका किसी को फ़ायदा पहुँचा दिया हो। लेकिन हाँ, मे भी अगर आज ये पूरी गैंग नहीं राउंड अप हो पाती, तो आज ये अपना जाल बिछाते और कल परसों तक जो अभ्यर्थी थे उनमें ज़रूर कई लोगों को ये फ़ायदा इसमें पहुँचाते। लेकिन प्रारंभिक उसमें ये सुबह जब पेपर स्टार्ट हुआ 10 बजे और हमें ये सूचना मिली, उसके बाद हमने घंटे भर बाद ही इनको राउंड अप कर लिया था और ये लास्ट कड़ी तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम को 5:30 बज गए। एक और सवाल अगर मुमकिन है तो उनसे पूछिए, क्योंकि कर लिया गया तो इनके जो पेपर लीक हुआ ताकि तुरंत उसको सॉल्व किया जा सके। इसका मतलब ये कि जो परीक्षा देने पहुंचे हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाला होगा, उसके बाद पेपर सॉल्व हुआ होगा। तो क्या जिन बच्चों के पास सॉल्व पेपर पहुंचा है उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी, उनको ट्रेस करने की कोशिश करेगी? कहीं मिला हुआ था क्योंकि फोटो वहीं से गई, तो क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उससे जो पूछताछ हुई है उसमें क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल ना खड़ा हो कि और कहीं भी ये गया हो पेपर। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये पेपर जिस बंदे को अवेलेबल कराया, जिस कोचिंग सेंटर वाले मैट्रिक्स वाले को, उस बंदे को भी हमने राउंड अप कर लिया है और उसके मोबाइल में भी हमें ये पेपर की जो फ़ोटो खींची वो बरामद हो गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि प्रिंसिपल प्रथम दृष्टया जांच से कि इसके अलावा किसी के संपर्क। पुलिस की सफलता रही कहीं ना कहीं, बहुत जल्दी आपने किया। एक चीज़ और, 4 लोग जो हायर किए गए थे जिनको सॉल्व के लिए बैठाया गया था, उन तक भी पुलिस पहुंच गई है, तो वो कौन लोग थे, थोड़ी सी जानकारी साझा हो जाए ताकि सब लोग सावधानी बरते, चौकन्ने रहें, ऐसे हथकंडे ना अपनाएं, आप अपील भी कीजिए। ये 5 लोग थे जो पेपर सॉल्व कर रहे थे बैठ करके, और इसको ये सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं, पहले एग्जाम्स में बैठ चुके हैं और कुछ एग्जाम्स पास कर चुके हैं, किसी लेवल पे अटक गए हैं, तो कहीं फेलियर भी इनका रहा है। तो कुल मिला के मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखिए, शॉर्टकट्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं अपनी मेहनत पे भरोसा करें, कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत भी कर ली और ऐसे तरीकों में फंस के की गई मेहनत भी बर्बाद हो गई। बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट कभी कामयाब नहीं होते। स्कूल का नाम और प्रिंसिपल के नाम वाम आए हैं कुछ अभी तक? स्कूल ये राम सहाय स्कूल है, एक जो नया शहर थाने एरिया में पड़ती है, प्रिंसिपल है दिनेश राठौड़ इनका नाम है, अभी इनको राउंड अप किया है, पूछताछ इनसे जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीति चंद्रा जी। तो देखिए, एसपी प्रीति चंद्रा निश्चित तौर पर सतर्क, सजग,
लीक मानी जाती हैं और ये निश्चित तौर पर एक ऐसी कार्रवाई है जो बेरोजगार युवाओं के एक तरह से सपनों को जो खराब कर रही थी, जो लोग थे जो ऐसा करना चाह रहे थे उनको पुलिस ने धर दबोचा है। एसओजी का इनपुट था, बीकानेर एसपी चौकन्ने थे, इनकी पूरी टीम थी, आईपीएस सुरेंद्र इंदौलिया समेत अन्य लोगों ने कार्रवाई की है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि 10 लोग धरे गए हैं, बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कहीं ना कहीं पेपर की फोटो खींची गई थी, व्हाट्सअप किया गया था, 5 लोगों को हायर किया गया था जो पढ़े लिखे लोग थे और इस एग्जाम को, इन पेपर को कहीं ना कहीं सॉल्व करके उन लोगों को देते जो पैसा दे रहे थे। लेकिन एसपी प्रीति चंद्रा ने महत्वपूर्ण बात कही है, दोबारा उसे कोट करूंगा, शॉर्टकट से कभी बड़ी सफलताएं नहीं मिलती हैं, ये हम सबको समझना होगा। ओवर टू बिजेंद्र जी। बिल्कुल राघव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रीति